रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है चिकन स्टीम लेग। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं, चिकन स्टीम लेग बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 लेग पीस लिए हैं। ये देखिए, मैंने लेग लेके इनको डीप कट लगवा लिए हैं। जितने कट अच्छे तरीके से लगे होंगे उतने ही अच्छी तरह इनके अंदर मसाला जाएगा तो वो टेस्टी बनेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 4 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, चुटकी भर यानी कि 1/4 टीस्पून होगा हमारे पास फूड कलर, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर। मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है, बॉल के अंदर मैं 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दूँगी। बाकी स्पाइसेस में दही के अंदर ही ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, हम ऐसे लेग पीस पर घंटा हो चुके हैं। अब मैं इनको स्टीम कर स्टीम किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चिकन स्टीम हुआ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। मैं आपको इनकी साइड चेंज करके भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा स्टीम हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँ। चिकन स्टीम लेग बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं।
और बहुत ही मज़े के हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगी आपको। अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक फ्री पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।